हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से, जिसमें हम मैट को देखते हैं जो कि एक पेंटर था और उसकी वाइफ केट जो कि एक ट्रांसलेटर थी। वे दोनों हाल ही में अपने नए घर की ओर शिफ्ट हो रहे थे जो उन्होंने शहर से दूर के एरिया में खरीदा था, जहां अजीब बात ये थी कि इस घर का प्राइस बाकी घरों के मुकाबले काफी कम था और ये प्राइस हर साल घटता ही जा रहा था क्योंकि उसे कोई खरीद ही नहीं रहा था। जब वे दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो केट को उस घर को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर मैट उसे समझाता है कि ये सब ठीक है। कुछ देर बाद केट को किचन में एक मरा हुआ बर्ड मिलता है। यहाँ नीचे उस घर के सामान में मैट को एक अजीब सी चाबी मिलती है, पर वो उसे इग्नोर करता है। दूसरी तरफ केट उस बर्ड को ले जाकर दफना ही रही थी कि तभी उसे बहुत तेज आवाज आती है जिसे सुन वो डर जाती है। देखने पर यह मैट घर के पुराने सामान को खिड़की से बाहर फेंक रहा था। ये देख जब वो वापस उस बर्ड की तरफ मुड़ती है तो उसे वो बर्ड कहीं नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद वो बर्ड जिंदा हो गया इसलिए वो उड़ गया। बाद में यह मैट जब घर की सफाई कर रहा था तो उसे एक दीवार में अजीब सा होल दिखाई देता है, जिसे देख वो दीवार पर लगे पेपर को हटाता है और उस होल को देखने पर उसे उसमें एक लॉक मिलता है जिसका डिजाइन उस चाबी की ही तरह था जो उसे सुबह मिली थी। तभी वो उस चाबी के जरिए उस लॉक को खोलता है और देखता है कि ये किसी तरह का सीक्रेट डोर था, जिसे वो केट को भी दिखाता है और वे दोनों जब उसे खोलते हैं तो उसमें एक मिस्टीरियस रूम मिलता है। लेकिन उस रूम के अंदर जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय अंधेरे के। लेकिन अंदर जाते वक्त उनके घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है, जिसे देख वे पावर कंपनी को कॉल लगाते हैं उनकी लाइट्स ठीक करने के लिए। अगले दिन पावर कंपनी का एक एम्प्लॉय उनके घर आता है, जहां मैट उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां सभी वायर्स का कनेक्ट था। लेकिन जब वे दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां हजारों तारों का एक बड़ा सा जाल देखने को मिलता है। यहां वो एम्प्लॉय भी काफी एक्सपीरियंस होने के बावजूद कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था और वो उनसे कहता है कि लाइट्स फ्लिकर होना मामूली प्रॉब्लम है, ये शायद कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाए। जब वो एम्प्लॉय वहां से जा रहा होता है तो वो मैट को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस घर को कोई खरीदेगा। मैट उससे इसका रीजन पूछता है तो वो एम्प्लॉय उसे बताता है कि इस घर के पिछले ओनर्स की इस घर में ही मौत हो गई थी, शायद किसी ने उसको मारा हो। ये सुनकर मैट को काफी क्यूरियोसिटी होती है तो वो इस घर की हिस्ट्री जानने के लिए इंटरनेट का यूज करता है, जहां उसे खोजने पर पता चलता है कि इस घर को मीडिया ने हाउस ऑफ ब्लड का नाम दिया है और इसके पुराने ओनर्स मैडलिन और पोल शेफर्स थे, जिन्हें एक आदमी ने मार दिया था जिसका नाम मीडिया ने जॉन डॉय रखा था क्योंकि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था और वो आदमी फिलहाल एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में लॉक था। यहाँ पूरे दिन काम करने के बाद मैट अपने साथ एक शराब की बोतल लेकर उसी स्ट्रेंज रूम में चला जाता है। वहाँ बैठकर वो उसे पीकर खत्म कर देता है और विश करता है कि शायद उसके पास दूसरी बोतल होती। लेकिन ऐसा कहते ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और वो अपने सामने एक बोतल को रखा देखता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस रूम ने उसकी विश पूरी कर दी हो। मैट ये देखकर काफी शॉक था और ये बोतल भी एकदम असली लग रही थी। अगली सुबह केट जब उठती है तो उसे मैट पूरे घर में कहीं नहीं मिलता, लेकिन जब वो उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है तो वहां उसे मैट मिलता है बहुत सारी पेंटिंग्स के साथ। केट उससे पूछती है कि उसे ये सारी पेंटिंग्स कहाँ से मिली, तो मैट इस पर बताता है कि ये रूम उनकी विशेस पूरी कर सकता है, जिसे सुनकर केट को अजीब लगता है, पर मैट उसे कुछ विश करने के लिए फोर्स करने लगता है तो केट मिलियन डॉलर विश करती है और लाइट फ्लिकर होने लगती है। उसे रूम में पैसों के बंडल पड़े मिलते हैं। केट ये सब देखकर शॉक हो गई थी, पर उसे थोड़ा डर भी लगता है और वो मैट को यहाँ से जाने के लिए भी कहती है, लेकिन मैट उसे रोक
होकर कन्वेंस करता है, जिस पर कैट भी मान जाती है। और फिर वे शाम तक उस रूम में विश करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ कैट मैट से पूछती है कि ये सब कैसे काम कर रहा है, पर मैट इस बारे में उसे ना सोचने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उन दोनों के पास अब दुनिया की सारी चीजें थी, पर इससे कैट डिप्रेस थी क्योंकि उसके लिए इन चीजों की कोई रियल वैल्यू नहीं थी। पर मैट उसे इनकरेज करते हुए उन्हें बच्चों के लिए ट्राई करने के लिए कहता है, जहां हमें पता चलता है कि उन्होंने पहले भी दो बार इसके लिए ट्राई किया था, पर दोनों बार ही केट का मिसकैरेज हो चुका था, जिसके बाद उन दोनों ने फैसला किया था कि वे अपने बदकिस्मती को एक्सेप्ट करेंगे और फिर कभी बच्चे के लिए ट्राई नहीं करेंगे। और कैट मैट को कहती है कि वो फिर से वो सब नहीं सह सकती और रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ मैट भी परेशान होकर थोड़ी देर ड्राइव के लिए चला जाता है, जहाँ वो कुछ देर बाद घर वापस लौटता है तो वो केट के पास एक बेबी को देखता है, जो कि केट ने उस रूम से विश किया था, जिसे देख मैट उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि उन्हें नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। और बहस के बाद मैट केट को उस बेबी को रूम के जरिए वापस करने के लिए कहता है, पर केट ऐसा नहीं कर पाती, जिसे देख मैट अब ये खुद करने वाला था, लेकिन जब वो बेबी रोने लगता है तो उसे देख वो ऐसा करने से मना कर देता है और वे उस बेबी को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते है। और अब इस वजह से हम देखते हैं कि अब केट का ज्यादातर टाइम वो बेबी लेने लगा, जिस कारण मैट अब ज्यादातर अकेले ही रहता था। तो वो एक दिन जॉन डॉय से मिलने का डिसाइड करता है उस रूम के बारे में जानने के लिए, पर जाने से पहले वो उस रूम से कुछ पैसे अपने साथ ले जाता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ फैसिलिटी में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि 45 सालों से जॉन डॉय से मिलने कोई नहीं आया। यह मैट अपने आप को रिपोर्टर बताते हुए जॉन डॉय से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने शेफर्स को क्यों मारा, पर जवाब में जॉन डॉय कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस घर के नए ओनर हो जिसे हाउस ऑफ ब्लड कहते हैं। और जॉन यहाँ ज्यादा बात न करते हुए उससे सिर्फ इतना कहता है कि जितना जल्दी हो सके वो और उसकी वाइफ उस घर को छोड़ दे, ये ही उनके लिए अच्छा होगा। पर जॉन डॉय जानता था कि मैट ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अभी वो लालच में आंधा हो चुका है। जब मैट वहां से निकलकर अपने घर जा रहा होता है तो वो रास्ते में अपनी कार रिफ्यूल कराने रुकता है, लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उसे अपनी जेब में पैसों की बजाय धूल मिलती है। तभी वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर उस रूम के कुछ पैसे लेता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है और देखता है कि पैसे बाहर जाते ही राख में बदल गए थे। ऐसे ही वो एक पिक्चर फ्रेम को भी रूम से बाहर रखता है, जहां ऐसा करते ही वो भी राख में बदल गई थी। ये देखकर मैट उस रूम के दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उसके अंदर सिर्फ वायर्स ही वायर्स दिखाई देती है। तभी वो केट को बेबी को बाहर ले जाते हुए देखता है, पर वो उसे नहीं रोकता। केट जब उस बेबी को बाहर ले जाती है तो अपने आप ही उस बेबी की उम्र कुछ सेकंड्स में ही बढ़ जाती है, जिसे देख केट काफी शॉक हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। बाद में मैट बाहर जाकर उन्हें वापस अंदर ले जाता है, जहां वो बेबी अब काफी बड़ा हो गया था, जिसे देख कैट उसका नाम रखती है शेन। यहां इन सब से हमें पता चलता है कि जैसे ही उस स्ट्रेंज रूम की चीजें घर की बाउंड्री को पार करती है, वे तुरंत राख में बदल जाती है। और जब कोई जीवित चीज ऐसा करती है तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है और बाद में राख में बदल जाती है। अगले सीन में केट शेन को सुलाकर मैट के पास जाती है, जहां वो उस रूम के बारे में पूछती है, जिस पर मैट उसे सब बताता है कि कैसे जॉन डॉय ने यहां के पुराने ओनर्स को मारा और किस तरह चीजें बाहर जाते ही राख में बदल जाती है, जिसका मतलब साफ था कि अब शेन को पूरी जिंदगी घर में ही रहना होगा, जिसे सुनकर केट रोने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद केट अब शेन को घर में ही पढ़ाने लगी थी और वो उसे बाहर ना जाने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं जिनसे शेन को खतरा है, लेकिन सिर्फ घर में ही रहने से शेन अब काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था। पर केट उसे संभालती है और वो उसे अपने बेटे की तरह रखती थी। वो ज्यादातर समय शेन के साथ ही
गुजारती ताकि वो अकेला बोर ना हो। लेकिन इससे मैट अब काफी अकेला रहने लगा तो वो भी खाली टाइम में शूटिंग किया करता था। यहाँ शेन की क्यूरियोसिटी बाहर जाने को लेकर बढ़ती ही जा रही थी तो ये देख केट खिड़कियों और दरवाजे को बोर्ड से कवर कर देती है ताकि शेन बाहर ना जाए। अगले दिन शेन केट और मैट को आपस में लड़ते हुए देखता है जहाँ वो मैट को शेन को एक इमेजिनेशन कहते हुए सुनता है। ये सुन शेन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसी रात शेन उसी स्ट्रेंज रूम में जाता है जहाँ उसे उसकी पावर्स के बारे में पता चलता है और वह वहाँ पूरी रात गुजारता है। अगले दिन मैट और केट शेन को उस रूम में देखकर सरप्राइज होते हैं जहाँ जाने पर वे देखते हैं कि शेन ने उस जगह को बाहरी दुनिया जैसा बना दिया था। केट ये देखकर काफी खुश होती है पर मैट को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो शेन को रूम से बाहर लाता है और उस रूम को लॉक करके चाबियां छुपा देता है। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजती है जिसे शेन उठाता है और ये कॉल था जॉन डॉय का। मैट जल्दी से वहां आकर फोन शेन से ले लेता है और जॉन से यहाँ फोन ना करने के लिए कहता है। तभी जॉन कहता है कि उसने किसी बच्चे की आवाज सुनी, क्या किसी ने कोई विश की है। ये सुनकर मैट उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने एक बच्चा विश किया था और वो जॉन से पूछता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे रूम की चीजें बाहर जाने पर राख में ना बदले। ये सुन जॉय अब सब कुछ रिवील करता है कि वो भी एक विश है जिसे उस रूम ने बनाया था और उस घर से कोई चीज सही सलामत तभी बाहर निकाली जा सकती है जब उसे बनाने वाला मारा जाए। और इसी वजह से जॉन के पेरेंट्स चाहते थे कि जॉन जिंदा रहे तो इसलिए उन्होंने अपने आप को उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। जिसका मतलब ये था कि शेन घर से बाहर तभी निकल सकता है जब केट मारी जाए। यहाँ केट भी इन सब बातों को दूसरे फोन के जरिए सुन रही थी जिसके चलते वो अपनी कार लेकर घर से बाहर निकल जाती है ताकि वो अपनी कार क्रैश कर खुद को मार के शेन को जिंदगी दे सके। पर वो ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ दूसरी तरफ शेन मैट से उस रूम के बारे में लगातार पूछ रहा था जिससे तंग आकर वो उसे कहता है कि वो असली नहीं है, वो एक झूठ है और वो उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन शेन वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। बाद में मैट को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो शेन से उसके बर्ताव के लिए सॉरी मांगता है। बाद में जब केट वापस घर आती है तो वो मैट को शेन के साथ सोते हुए देखती है। तभी मैट उठ जाता है और केट के साथ किचन में आ जाता है जहाँ वे दोनों आपस में वक्त बिताते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे से शेन उन दोनों को देख रहा था। अगली सुबह शेन चाबी चुराकर घर से बाहर चला जाता है। जब वे दोनों उठते हैं तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ पाते हैं जहाँ शेन के रूम में जाने पर वे देखते हैं कि शेन अब एक आदमी बन गया था लेकिन उसका दिमाग अब भी एक बच्चे जैसा ही था। जहाँ शेन गेट की ओर गन पॉइंट करके कहता है कि उन्होंने उससे झूठ बोला कि बाहर जम्स है। मैट ये देख उस पर अटैक करता है जिसमें केट दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब केट उठती है तो वो अपने सामने मैट को देखती है जो उसे बताता है कि उस झगड़े में शेन गोली लगने से मारा गया जिसके बाद वो उसकी बॉडी को बाहर ले गया जहाँ उसकी बॉडी राख में बदल गई। ये सब सुन केट जल्दी से घर से बाहर भागती है शेन को ढूंढने के लिए पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन हम दूसरी तरफ असली मैट को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में उठता है जहाँ उसे पूरा घर खाली मिलता है। लेकिन तभी वो उस स्ट्रेंज रूम से लाइट फ्लिकर होते हुए देखता है जिसे देख उसे पता चलता है कि कोई रूम को यूज कर रहा है। मैट उसके अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसका डोर अंदर से लॉक था। ये देख शेन दीवार को तोड़कर अंदर पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि शेन ने उस जगह को बिल्कुल बाहरी वर्ल्ड जैसा बना दिया था जहाँ कुछ दूरी पर उसे अपने ही घर का एक क्लोन मिलता है। जहाँ हमें पता चलता है कि मैट को बेहोश करने के बाद शेन मैट में बदल गया और केट को लेकर रूम के अंदर आ गया जहाँ उसने उसे घर का ही एक
एक एग्जैक्ट क्लोन बनाया। यहाँ शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देख केट समझ जाती है कि ये शेन है जो मैट होने का नाटक कर रहा है, और वो वहाँ से भागती है। तब तक असली मैट उस घर में आ चुका था, जिसे देख केट अब काफी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस पर विश्वास करे। लेकिन तभी असली मैट केट को उसके बचपन के नाम से बुलाता है, जिससे वो शेन को पहचान लेती है, और केट उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जहां नीचे गिरते ही शेन अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। ये देख मैट और केट वहां से भागने लगते हैं, पर हर बार वे घूम फिरकर वहीं आ रहे थे, क्योंकि शेन ने पूरे घर एक पजल की तरह बनाया था। तभी शेन वापस उठकर उन दोनों को पकड़ लेता है, जहां वो मैट को चाकू मारकर मार डालता है। ये देखकर केट काफी डर गई थी, पर शेन उसे शांत रहने के लिए कहता है कि तभी शेन की नजर बाहर पड़ती है, जहां उसे मैट और कैट दोनों दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों ने शेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने क्लोन्स बनाए थे। शेन उनका पीछा करते हुए रूम से बाहर आ जाता है, जहां मैट अपने प्लान के हिसाब से उसे घर से बाहर ले आता है और जल्दी से अंदर जाकर घर का दरवाजा लॉक कर देता है, जहां हम देखते हैं कि शेन की एज लगातार बढ़ रही थी और वो अब जॉन डोई जैसा लगने लगा था, जहां वो उन दोनों से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, और कुछ सेकंड्स में ही वो राख में बदल जाता है, और इस तरह वे दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अब एक मोटेल में रह रहे हैं, जहां हम केट को प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए देखते हैं, जिसे देख वो शॉक हो गई थी, क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव था और उसे अब ये नहीं पता था कि ये बच्चा मैट का है या शेन का। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।